ब्रदर्स नायर कोडवर में आपका स्वागत है। इसमें मैं आज आपको व्हाइट सॉस पास्ता बनाने की रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगी। रेसिपी शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक शेयर कमेंट भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो गैस को स्टार्ट करके मैंने पानी उबॉइल करने के लिए रख दिया है। जब ये पानी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें नमक और थोड़ा सा घी डालकर, रिफाइंड डालकर इसमें पास्ता डाल देंगे, ठीक है। तो तब तक हम साइड पर अपनी व्हाइट सॉस को रेडी करते हैं। सबसे पहले हमें जो जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो ये हैं, बटर, रिफाइंड मैदा, एक कप पानी, एक कप दूध, ब्लैक पेपर, रेड चिली फ्लेक्स और सॉल्ट। ये सब इंग्रेडिएंट्स हमें व्हाइट सॉस बनाने के लिए चाहिए। तो चलिए गैस को स्टार्ट करते हैं, ऑन करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक टेबल स्पून रिफाइंड डालेंगे, साथ ही में हम इसमें ये बटर ऐड करेंगे। मेरा भी रीजन है कि बटर क्यों हम रिफाइंड डालकर ऐड करेंगे। देखिए बटर हमारा मेल्ट हो चुका है, तब तो हम इसमें फ्रेंड्स रिफाइंड के साथ बटर हमने इसलिए मिक्स किया है क्योंकि जब हम बटर को अकेले डालेंगे तो वो जल जाएगा, इसलिए हमने पहले रिफाइंड डाला फिर उसके बाद हमें बटर डाला। तो अब हम इसमें ये देखिए ये एक टेबल स्पून के मैदा और थोड़ा सा वो ले लेंगे, ठीक है। तो इसको हम अब चलाएंगे। फ्रेंड्स गैस को मीडियम ही रखना है, मैदा जो है हमारा वो जल जाएगा। इसको हम थोड़ी देर के लिए भून लेंगे। इसको धीरे धीरे से करना है, चलाना है ताकि इसमें लंप्स ना पड़े। मैदा हमारा हो चुका है, अब हम इसमें दूध लिया है वो डालेंगे। दूध को हमें एकदम से नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है। ये देखिए इससे इसमें लंप्स नहीं पड़ेंगे। अब हम इसमें ये जो दूध है इसे डालेंगे। चलाना है धीरे धीरे से, दूध डालना है नहीं तो इसमें लंप्स पड़ जाएंगे। मैदा जो है हमारा फूलने लगा है, इससे हमारा सॉस जो बहुत गाढ़ा हो जाएगा। आप चाहे तो इसमें ड्राई मिल्क भी डाल सकते हैं। धीरे धीरे से चलाते रहना है, इसमें लंप्स नहीं पड़े हैं। इसको धीरे धीरे से हम चलाते रहेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा, जब ये बैटर ठंडा होगा तो ये बहुत गाढ़ा हो जाएगा, इसलिए हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। थोड़ा सा ही डालेंगे, इतना सा पानी मैंने डाला है। अब हम इसको ऐसे 2 मिनट के लिए चलाते रहेंगे, इसको छोड़ना नहीं है वरना इसमें लंप पड़ जाएंगे। और साथ में इसमें ये नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल देंगे, नमक डाल रही हूँ मैं, और ये रेड चिली फ्लेक्स, ठीक है, और थोड़ी सी ब्लैक। इसको हमने ऐसे डाल लिया है। तो देखिए सॉस हमारा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। इसको हम 1 मिनट के लिए बस चलाएंगे, ज्यादा नहीं इसको चलाना है। तब तक हम इसमें पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम, तो हम इसमें 1 टेबल स्पून
रिफाइंड डाल रही हूँ मैं, और साथ में इसमें ये एक चम्मच सॉल्ट डाल देंगे। तो इसे हम इसमें पानी में ऐड कर देंगे। पानी में ऐड करने के बाद साथ ही में मैंने ये एक कटोरी पास्ता लिया है, ये 200 ग्राम की करीब पास्ता है। बाद ये हमारा पास्ता जो है एकदम से बन जाएगा। अगर इसको 10 मिनट से कम लगाएंगे तो ये बाहर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रह जाएगा, इसलिए इसको पूरे 10 मिनट के तक बॉईल करना है। सॉस हमारी रेडी हो चुकी है, इस तरह की हमें चाहिए सॉस। ये देखिए पास्ता हमारा पक चुका है, चेक करते हैं इसे फोक की सहायता से। ये देखिए पास्ता हमारा पूरी तरह से पक चुका है। अब हम इसे निकाल लेंगे एक बाउल में ठंडा होने के लिए। पास्ता हमारा कितना अच्छी तरह से पका है आप देख सकते हैं। ये रिफाइंड बीन्स, कैरेट, ऑनियन, गार्लिक, ऑनियन, बीन्स, साल्ट, रेड चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, ब्लैक साल्ट। तो गैस को करते हैं ऑन। देखिए फ्रेंड अब हम इसमें रिफाइंड 2 टेबलस्पून के करीब ही रिफाइंड डालेंगे, ज़्यादा नहीं डालना है। रिफाइंड के बाद साथ ही से गार्लिक डाल देंगे। गार्लिक की मैंने 3-4 कलियां ही ली हैं। गार्लिक डाल साथ ही प्याज डाल देंगे। प्याज डालने के बाद अब हम इसे चलाएंगे 1 मिनट के लिए। हम इसे चलाएंगे, प्याज को ज्यादा पकाना नहीं है, थोड़ा सा कच्चा ही रखना है। अब इसमें साल्ट डाल देंगे, अब जो ब्लैक साल्ट वो भी थोड़ा सा डाल देंगे। अब इसे मिक्स करेंगे। ये देखिए ये कटी हुई गाजर है, ये भी डाल देंगे। गाजर डालने के बाद इसे फिर से मिक्स करेंगे। ये बीन्स हैं, ये भी डाल देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। ये सॉस हमारा ठंडा हो चुका है, इसे हम थोड़ा सा गर्म करेंगे। ज़्यादा गर्म नहीं करना है, हल्का सा गर्म करना है। सब्जियां हमारी पक चुकी हैं, अब हम इसमें ये शिमला मिर्च डाल देंगे। डालने के बाद इसे मिक्स करेंगे। सॉस हमारी गर्म हो चुकी है, तो ये देखिए सब्जियां भी हमारी पक चुकी हैं। कलर कितना अच्छा है। ये हमारा पास्ता जो ठंडा हो गया है, अब हम इसे सब्जियों में इसे डाल देंगे। डालने के बाद इसे सब्जियों में मिक्स करेंगे। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अब ये जो हमने सॉस बनाया उसे डालेंगे।
फ्राई पैन में हमारा सॉस थोड़ा सा बचा है तो उसे हम थोड़ा उसमें पानी ऐड करके उसको भी हम निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से हम इसको जो हमारा सॉस है उसे भी निकाल लेंगे और इसे भी डाल देंगे। डालने के बाद अब हम इसे मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद हम पास्ता को सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाएंगे, देखिए, जिससे हमारा सॉस इसमें पूरी तरह से मिक्स हो जाए, इसलिए हम इसे 2 मिनट के लिए पकाएंगे। देखिए पास्ता हमारा रेडी हो चुका है। देखिए इसे अब हम सर्व करेंगे। देखिए कितना अच्छा बना है। देखिए अब इसे अब हम प्लेट में निकाल लेंगे। देखिए फ्रेंड इसका कलर कितना अच्छा आया है। आप भी पास्ता घर पर जरूर ट्राई कीजिए, बच्चों को खिलाइए और मुझे कमेंट करके जरूर बताइए जब आपने ये पास्ता घर में ट्राई किया तो आपको कैसा लगा।